السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. फिर ये वो सहाबी हैं जिनको जिंदा शहीद का लकब मिला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या लकब दिया? जिंदा शहीद। ये तो आपने कभी नहीं सुना होगा कि कोई जिंदा शहीद भी हो सकता है। जी हाँ, ये कब मिला इनको? जब गजवाए उहद में, आपको पता है मुसलमानों को तो एक तरह से शिकस्त हो गई जिस वक्त खालिद बिन वलीद अपने साथ अपने घुड़सवारों को लेकर वो पहुंचे हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त मुसलमानों को आवाज दी, तो मुसलमानों ने तो आपकी आवाज नहीं सुनी, लेकिन काफरों ने सुन ली। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे उहद की तरफ को बढ़े, उस वक्त नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ कोई भी नहीं था, सिर्फ 11 अंसार थे और अबू तलहा थे। बाज कहते हैं कि और दो मुहाजरीन थे, लेकिन ऐसे करीब कोई भी नहीं था। सारे लोग जो थे वो ऐसी भगदड़, इतनी पैनिक मच गई थी कि सब लोग इधर उधर हो गए थे, और जो थे भी आपसे दूर थे। उस वक्त भी हजरत तलहा जो थे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ थे, कहीं पे भी उन्होंने साथ नहीं छोड़ा। हत्ता के वो वक्त भी आ गया था कि काफरों के नरगे में आप आ गए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये चंद एक ये अंसारी सहाबी और हजरत अब्दुल तलहा हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब वो लोग बिल्कुल करीब आ गए, मुशरिकीन का एक जत्था आ पहुंचा, और वो उनकी क्या, उनका एम क्या था कि आज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दें। तो इतनी नाजुक सूरत हाल थी, तो आपने फरमाया कि कौन है जो इनको यहां से दूर करे और वे जन्नत में मेरा रफीक होगा। हजरत तलहा ने जल्दी से कहा, मैं या रसूलल्लाह। आपने फरमाया, नहीं, तुम अभी रहने दो। अंसार में से एक आदमी बोला, या रसूलल्लाह मैं। आपने फरमाया, हाँ तुम आगे बढ़ो। वो अंसारी आगे बढ़ के लड़े हैं और वो शहीद हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथी कुछ ऊपर चढ़ गए, यानी वो उनको रोकते थे और इतनी देर में ये ऊपर चढ़ते थे ना, तो मुशरिकीन ने उनको वहां पे ढेर कर दिया और फिर आपके पीछे दौड़े और घेरा डाल दिया। आपने फिर फरमाया, इनका कौन मुकाबला करे? फिर दोबारा अगर तलहा फरमाते हैं, या रसूलल्लाह मैं। फरमाया, नहीं तुम अभी नहीं। अंसारी में से एक आदमी बोला, मैं या रसूलल्लाह। आपने फरमाया, हाँ तुम आगे बढ़ो। ये अंसारी मुकाबले में उतरा और ये भी शहीद हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ा और पहाड़ी के ऊपर बुलंद चढ़ गए, मुशरिकीन फिर पीछे आ गए। यहां तक कि वो जो जितने भी अंसारी थे ना, एक एक करके सब शहीद हो गए। आखिरकार हजरत तलहा रह गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब फरमाया कि अब आप मुशरिकीन का मुकाबला करें, और उस वक्त ये हालत थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंतान मुबारक शहीद हो चुके थे। आपकी पेशानी खून आलूद थी, होंठों पे गहरे जख्म आ चुके थे और खून आपके चेहरे पे बह रहा था, थकावट भी थी और जख्मों से भी चूर थे। लेकिन हजरत तलहा अकेले उन सारे मुशरिकीन का मुकाबला कर रहे थे और उनको पीछे धकेलने में कामयाब हो जाते, तो फिर तेजी के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ लपकते, आपको सहारा देके पहाड़ की तरफ चढ़ते, फिर आपको चट्टान की ओट में बिठा के फिर मुशरिकीन पे नए सिरे से हमला करते। इस तरह मुसलसल होता रहा, यानी उन वो जो 11 लड़के शहीद हुए उन सब की जगह पे ये अकेले अब लड़ रहे। अभी कोई भी नहीं आया होता, यानी इससे आप अंदाजा लगाएं कि मुस्तदरक हाकिम में ये हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। मुझे याद है कि उहद के दिन एक वक्त ऐसा भी था कि मेरे दाएं जानिब जिब्राइल थे और मेरे बाएं जानिब तलहा थे, यानी कोई भी और नहीं था। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, ये ऑनर इनको मिला। वो ये वो सहाबी हैं कि जाहिर है अब वो जो मुशरिकीन थे वो इतने आराम से तो बैठने वाले नहीं थे ना, वो तीरों की बौछार कर रहे थे, तलवारें नेजे, और ये क्या करते थे, अपने सीने को आगे ढाल बनाया हुआ था, और
कभी हाथों से तीरों को पकड़ते थे, कभी सीने को ढाल बनाते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचाएं, फिर दुश्मन को पीछे हटाते थे। और एक तलवार का वार आया और इन्होंने अपने हाथ आगे कर दिया, जिससे इनकी उंगलियां जो थी वो शहीद हो गई, और इनकी जुबान से उस वक्त निकला ऐसे जैसे हम कहते ना हाय, इस तरह निकला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम इस वक्त कहते बिस्मिल्लाह तो फरिश्ते तुम्हें आसमान की तरफ उठा ले जाते और लोग देखते कि वो तुम्हें उठा रहे हैं। अल्लाहु अकबर। और इसके बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं कि मैं और अबू बैदा बिन जरह, जिनकी हमने पहले बात की थी कि वो उसके बाद पहुंचे, वो थोड़े फासले पे थे ना, तो जब हम वहां पहुंचे तो आपकी मरहम पट्टी करने लगे, तो आपने इरशाद फरमाया मुझे छोड़ दो और अपने साथी तलहा की खबर लो। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी फिक्र। हज़रत तलहा का कहते हैं इतना खून बह रहा था, उनके जिस्म पे 70 से ज्यादा नेजे और तलवारों के जख्म लग चुके थे और हाथ की उंगलियां भी कट चुकी थी और बेहोश होके गड़े में गिर चुके थे। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जो चाहता है किसी जिंदा शहीद को अपनी आंखों से देखे वो तलहा बिन उबैदुल्लाह को देख ले। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। आयशा कहती हैं कि जब भी उहद की जंग का जिक्र होता था तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते थे उहद की जंग तो दर हकीकत सिर्फ तलहा नहीं लड़ी। यानी वो कहते थे वो तलहा का दिन था, जैसे हम कहते हैं ना दैट वॉज योर डे, या उसका दिन था वो। यानी वो उस दिन बस वो ही थे कि उन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा करने के लिए वो ही थे, वो सिर्फ समझ लें कि वो उनका दिन था। और कहते थे कि मैं पहला था कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचा था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं जाओ उसको देखो। तो ये इनकी हालत थी, लेकिन देखिए ना शहीद तो नहीं हुए, इतने जख्म 70 जख्म लगे हुए थे, शहीद तो नहीं हुए, जिंदा बच गए, लेकिन ऐसे ही था कि जैसे मौत के मुंह से जाके वापस आए, इतने जख्म थे। और राइट हैंड शल हो चुका था कि उसके बाद तिर्मिजी की रिवायत नहीं बुखारी में रिवायत है कि कैस बिन हाजिम ने कहा कि मैंने देखा कि तलहा का हाथ उहद के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिफा में शल हो गया था, पैरालाइज हो गया था ना, उसके बाद इस हाथ से नहीं कुछ कर सकते थे। बल्कि जब कभी बैत भी लेनी होती थी, देनी होती थी किसी को, तो उस वक्त अपने लेफ्ट हैंड से अपना राइट हैंड उठाते थे और उठा के अपना हाथ रखते थे। अल्लाहु अकबर। तो आप इससे अंदाजा कीजिए कि इनका मकाम और मर्तबा कितना अजीम है। और इतने अजीम सहाबी के बारे में अगर हमें नहीं पता था आज तक, तो ये हमारी कितनी कोताही है। गज़वा-ए-उहद के बाद अहज़ाब में भी ये इन्होंने हिस्सा लिया, फिर हुदैबिया में, बैत रिजवान में साथ थे। यानी बदर के बाद जितनी भी जंगें, और बदर का भी मैंने आपको रीजन बता दी, जितनी जंगें हुई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ रहे, हत्ता के फतह मक्का में भी, और उसके बाद गजवा हुनैन में भी। जब गजवा हुनैन में आपको पता है उसमें भी भगदड़ मच गई थी, मुसलमानों के पांव उखड़ गए थे, और उस वक्त भी ये साबित कदम रहे। और 9 हिजरी में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खबर मिली थी कि कैसर रोम बड़े साजो सामान के साथ अरब पर हमला आवर होना चाहता है, इसलिए आपने सहाबा कराम को तैयारी का हुक्म दिया, जंगी असबाब और ये सदका करने की, माल सदका करने की तरगीब दी, तो हज़रत तलहा ने उस मौके पर बहुत रकम पेश की। और तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था अतलहा अल-फयाज, फयाज है यानी जो अल-जूद जो मैंने आपको पहले बताया वो लकब इनको मिला। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब एक तरफ वो तबूक की तैयारियों में लगे, दूसरी तरफ मुनाफिकीन जो हमेशा कोई ना कोई तखरीबकारी करने के उसमें रहते थे, उस मौके पर अपनी शरारतों से बाज नहीं आए, और मदीना से कुछ फासले पर एक यहूदी के मकाम में जमा होके
तदबीरें करने लगे कि किस तरह से अब हम कोई शरारत करें, कोई साजिश करें, मुसलमानों को बददिल करें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असबाब और सामान के लिए जब मुसलमानों को तरगीब दी, तो फिर आपने हजरत तलहा को फरमाया कि कुछ लोगों को अपने साथ लेकर जाएं और उन लोगों से निपटें। तो हजरत तलहा ही थे कि चंद आदमियों को साथ लेकर गए तेजी के साथ और उस यहूदी के मकान का मुहासरा किया और उसमें आग लगा दी। और जहाक बिन खलीफा ने उसने मकान की बैक साइड से कूद के हमला किया और इस हालत में उसकी तो टांग टूट गई और उसके साथी जो थे वो भाग निकले। तो इस तरह से वाकयात मिलते हैं। इसी तरह 10 हिजरी में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी हज किया तो हजरत अलहा भी साथ थे। हज से वापस आने के बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत हुए तो हजरत तलहा को इतना सदमा था, इसका अंदाजा इस बात से हो सकता है कि जब सकीफा बनी साइदा में खिलाफत का फैसला हो रहा था उस वक्त ये अकेले अपने घर में थे और गम में थे। जब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला की खिलाफत पे इत्तेफाक हो गया तो इन्होंने भी फिर उनकी बैत कर ली उनके हाथ पे और उनको राय भी दी, मशवरे भी दिए और फिर इसी तरह मुसैलमा कज़्ज़ाब के साथ लड़ने के लिए जो लश्कर गया था उसमें भी शामिल थे। जो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला की सवा दो बरस की खिलाफत थी ना, आपको पता है 2 साल उन्होंने खिलाफत की, तो उस सारे वक्त में उनके साथ साथ रहे और जब वो मरजुल मौत में थे, बिस्तर पे थे, तो उन्होंने उस वक्त, आपको याद है मैंने बताया था कि उन्होंने सहाबा से मशवरा किया था कि हजरत उमर रजी अल्लाह तआला को अगर मैं खलीफा नामजद करूँ तो इन्होंने बहुत आजादी के साथ अपनी राय पेश की। यानी कि मैं हाँ की हाँ, हाँ में हाँ मिला दूं और इस तरह ज्यादा हम लोग यही कोशिश करते ना कि बस हाँ में हाँ मिलाते जाएं, जो दूसरे का दिल चाह रहा है बस वैसे ही कह दें ताकि हम उसकी आंख का तारा बने रहे। नहीं, इन्होंने जो बात इनको सही लग रही थी वही कही। कहते हैं अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कि आपके मौजूद होते हुए उमर का जो तरीका कार था वो आपने देखा है, अब जब वो खुद खलीफा बन जाएंगे तो फिर क्या करेंगे, यानी वो बहुत सख्त है तो हमारा क्या करेंगे। और ये सोच लें कि अगर आपने उनको खलीफा बनाया तो आप अल्लाह तआला को क्या जवाब देंगे, इतने यानी सख्त आदमी को मैं लोगों पे छोड़ के आ गया। तो सबको पता था ना जो उमर की सख्ती का, आपने खुद भी उनकी सीरत पढ़ी है तो आपको अंदाजा हुआ है। तो अब बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया था कि मैं अल्लाह तआला से कह दूंगा कि मैंने तेरे बंदों में उसे उस आदमी को अमीर मुकर्रर किया जो उनमें सबसे अच्छा था। फिर जब हजरत उमर खलीफा बने तो इसके बाद जब उन्होंने तो अपने बिल्कुल ही तौर तरीके बदल दिए थे तो ये उनके साथ फिर हो गए थे, बल्कि उनकी मजलिस शूरा के एक रुकन थे, यानी मशवरे करने में इसमें उनका साथ देते थे। बल्कि मारका नहावंद का मैंने आपको बताया था तो उसमें हजरत उमर ने जब सहाबा से मशवरा किया था तो उन्होंने खड़े होकर कहा था कि आप हमसे ज्यादा जानते हैं, हम आपके हुक्म की तामील करेंगे। अब जब हजरत उमर ने 10 बरस आपको बताया ना उन्होंने खिलाफत की, फिर जब वो आपको जानते हैं जब वो जख्मी हो गए थे और जिस वक्त के उन्होंने दुनिया से जाने का उनका वक्त आ गया था तो उस वक्त उन्होंने कैसे चूज किया था खलीफा को, क्या आप लोगों को याद है ये बात, क्या आप लोगों को याद है कि उन्होंने कैसे खलीफा चूज किया था? जब उन्होंने एक मजलिस शूरा बनाई थी और उसमें 6 अशरा मुबशरा को उसका रुकन बनाया था और फरमाया था कि आप अपने में से चूज कर लें किसी को, खुद नहीं चूज किया था, आप अपने में से किसी को चूज कर लें। 6 लोगों को इनको अपॉइंट कर दिया था, 3 दिन दे दिए थे। कौन कौन था उसके अंदर? हजरत अली और उस्मान तो थे ही रज़ी अल्लाह अन्हुमा, क्योंकि ये तो आपको पता है कि बाद में फिर क्या हुआ था कि जो जो बातें हुई थी वो हम सब पढ़ चुके हैं। तो अली और उस्मान तो थे ही, इनके अलावा कौन था? जुबैर, तलहा, साद बिन अबी वक्कास और अब्दुर्रहमान बिन। तो इन्होंने उस वक्त जब इनको मजलिस शूरा का मेंबर बनाया गया
तो इन्होंने ये नहीं कहा कि मैं ही बनूं या मैं ही सबसे आगे हो जाऊं, और मैं, बल्कि ये दस्तबरदार हो गए थे, हजरत उस्मान को अपनी जगह नामजद कर दिया था। अब्दुर्रहमान बिन औफ ने फरमाया था ना कि तीन तीन को के हक में दस्तबरदार हो जाएं। तो इन्होंने ये नहीं कहा कि मैं इस मनसब के लिए खुद रहूंगा, बल्कि इन्होंने कहा कि मैं अपनी जगह पे अपनी जगह उस उस्मान को देता हूं कि ये मेरे बाद, यानी मेरे बाद नहीं, सॉरी, मेरे मेरी जगह पर मैं इनको नामजद करता हूं। फिर हमें पता चलता है कि उसके बाद हजरत उस्मान ही खलीफा बने जिनके लिए इन्होंने अपने इनकी इन्होंने ताईद जिनकी की थी, और 12 साल उनकी हुकूमत रही। लेकिन आप पढ़ चुके हैं कि उनमें से लास्ट 6 ईयर जो थे उनमें मुल्क में कितनी बेचैनी और कितनी साजिशें और कितनी कुछ फितने खड़े हो गए थे। तो इन्होंने मशवरा दिया था हजरत उस्मान को कि आप ऐसा करें कि तहकीक करने के लिए मुल्कों में वफूद भेजें। तो वो वफूद भेजे गए और उन लोगों ने वापस आके तहकीकात का जो नतीजा पेश किया उस पर अभी अमल भी नहीं हुआ था कि जो फसादियों ने इनके हजरत उस्मान का जो घर का मुहासरा कर लिया। तो इन तक भी लोगों शिकायत वगैरह लेकर आते थे। खैर, ये गैर जानिबदार रहे और इन्होंने जो कभी कभी आते थे और मुहासरा किए हुए जो लोग बैठे होते थे उनके वहां पे जाते थे और देखते थे। एक दिन जब हजरत उस्मान ने अपने जो एहसानात थे वो याद कराए लोगों को कि देखो लोगों, मैंने तो ये किया है, तुम आज मेरे साथ ये कर रहे हो, तो इन्होंने वाकई उनकी तस्दीक की और इन्होंने भी अपने बेटे मोहम्मद को हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु की हिफाजत के लिए मुतय्यन कर दिया, जैसे हजरत अली ने किया था और हजरत जुबैर की तरह इन्होंने भी किया था। और मोहम्मद बिन तलहा ने नहायत हुशारी के साथ और तंदेही के साथ ये पहरा दिया था इनके घर का, हजरत उस्मान के। फिर जब उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत हो गई तो ये एक्सपेक्टेड नहीं था, इनको नहीं पता था कि इतनी हद तक ये बात पहुंच जाएगी। और ये उस वक्त वहां मौजूद नहीं थे, लेकिन जब इनको इत्तला पहुंची तो बहुत गमगीन हुए। 4 महीने तक तो इन्होंने खामोशी इख्तियार की, हजरत अली के हाथ पे बैत कर ली थी लेकिन 4 महीने तक खामोश रहे। और उसके बाद जब इन्होंने देखा कि कुछ नहीं हो पा रहा हजरत उस्मान के कातलों के लिए, तो ये और हजरत जुबैर, आपको याद होगा मैंने बताया था उस वक्त हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा जो कहाँ पे थी, मक्का में थी ना, वो हज करके उसके बाद वहीं ठहर गई थी जब उनको मदीना के हालात का पता चला था। तो ये वहां पे उम्मुल मोमिनीन की खिदमत में हाजिर हुए, मदीना की जो सारी सूरत हाल थी वो बताई, उनको कन्विंस किया कि आप चलें और हम जाकर और बसरा जाके और हम फिर वहां पे अपने साथ सपोर्ट इकट्ठी करते हैं और फिर हम वहां जाके लोगों को अपने साथ मिला के और इस चीज का यानी सामने इस चीज डिमांड को रखते हैं कि हजरत उस्मान के कातिलों को सजा दी जाए, उनको पकड़ा जाए, क्योंकि वहां पे बहुत काफी बड़ा इनका सपोर्ट ग्रुप था। तो ये काम वहां जाके आसानी के साथ हो सकते कि हम प्रेशर डालें। तो हमें पता है कि जब ये वहां पहुंच थे और क्या हालात हमने सारे पढ़े हैं कि किस तरह से हालात बन गए थे कि जो एंड अप हुए जंगे जमल पे। जंगे जमल आप या जानते हैं ना, जो ऊंट के पे सवार थी हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा, इस वजह से उसको जंगे जमल कहा जाता है। हजरत अली के दरमियान और हजरत आयशा, और ये एक्चुअली दोनों बुजुर्गान, दोनों सहाबा तलहा और जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा, ये हजरत आयशा के कैंप में थे। और जिस वक्त के जंग का मरहला आ गया और जंग भी किस तरह से एक गलत फहमी की बेस के ऊपर हो गई, जब आपस के अंदर तो सुलह सफाई हो गई थी लेकिन जो शरपसंद थे उनमें से एक टोले ने जाके उधर हमला कर दिया, एक ने उधर हमला कर दिया ताकि जंग किसी तरह स्टार्ट की जा सके। ऐसी सूरत हाल में जब दोनों लश्कर आमने सामने हो गए, तलवारें निकाल ली गई, तो ये भागे फिर रहे थे अपने लश्कर में कि अपनी तलवारें वापस डालो, वापस डालो, वापस डालो, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। हत्ता कि एक तीर आया और इनकी जिरा में जो
थोड़ा सा जगह होती है, कहीं स्पेस होती है, उसके अंदर से इनके जिस्म में दाखिल हो गया। अल्लाह अकबर। इनकी वफात जब हुई है तो इनकी उम्र तकरीबन 62 साल थी, और बाज जगह पे 64 इयर्स थी जब इनकी शहादत हुई। और ये शिया हजरात काफी इनको बुरा भला कहते हैं, इसलिए कि इस जंग में जाहिर है हजरत अली के आमने सामने थे, लेकिन अगर हम देखें तो जंग के बाद हजरत अली ने इनकी जो लाश थी वो उठाई और अपनी गोद में इनका सर रखा, इनके चेहरे से मट्टी हटाई और फरमाया, मैं अल्लाह ताला के आगे शिकायत करता हूँ अपनी हालत की, काश मैं आज का दिन देखने से पहले ही दुनिया से चला गया होता। जैसे हजरत मरियम ने फरमाया था ना, क्या मैं मर गया होता आज का दिन देखने से पहले, मैं जिंदा ना होता। और इनका बेटा जो था तो हजरत अल्हा का, उसको अपने पास बुलाया और अपने गले से लगाया और फरमाया, मैं दुआ करता हूँ कि तुम्हारा बाप और मैं कयामत के दिन उन लोगों में से हों जिनके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, व नज़ाना मा फी सुदूरिहिम मिन गिल्लिन इख्वाना अला सुरुरिन मुतकाबिलीन, हम उनके दिलों में से कीने निकाल लेंगे, खींच निकालेंगे, और वो जन्नत में आमने सामने तख्तों पर बैठे होंगे। तो जब इन्होंने अपनी हजरत तलहा के सर को अपनी गोद में रखा था ना, तो बहुत रो रहे थे, और सहाबा कराम भी इनके साथ रो रहे थे। फिर उन्होंने ही इनको कफन दिया, गुसल दिया, कफन दिया, और नमाज जनाजा भी पढ़ाई। और ये कहते हैं कि देखो जी, ये तो हजरत अली के साथ इनकी पता नहीं क्या दुश्मनी चल रही थी और क्या होता, और अल्लाह ताला माफ करे कि बुरा भला कहते हैं, हालांकि ये देखते नहीं है कि वो कितनी ज्यादा गमगीन थे इस पे, और सूरत हाल कैसे इस नहज तक पहुंच गई थी। इनके अखलाक बहुत आला थे, खशियत इलाही में बहुत ज्यादा थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत बहुत करते थे। इनके अखलाक की एक बात देखें, आदात की एक बात, कि इन्होंने नजर मानी हुई थी कि गजवात के जितने भी पैसा लगे उसके ऊपर, गजवात के मसारिफ में अपना माल अल्लाह के रास्ते में दिया करेंगे, और इन वाकई ऐसा ये करते थे, बहुत बहुत ज्यादा माल लाके देते थे, जितने भी गजवात हुए लाखों में भी आता है। और कुराने करीम में इनकी मदाह में सूरह अहज़ाब में आयत नंबर 3 है, रिजाल सदकू मा आहदुल्लाह अलैहि मिनहुम कदा नहबहु, यानी कुछ आदमी ऐसे हैं जिन्होंने अल्लाह ताला से जो अहद किया उसको सच कर देखा, अपनी नजर पूरी की। तो जब ये आयत उतरी थी तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, तो आपने फरमाया, तलहा तुम इन लोगों में से हो जिन्होंने अपनी नजर पूरी की। बहुत सखी थे, फकरा मसाकीन के लिए इनका दरवाजा हर वक्त खुला रहता था। कैस बिन अभी हाजिम बयान कर फरमाते हैं कि मैंने तलहा से ज्यादा किसी को बेतलब बख्शिश में पेश पेश नहीं देखा, यानी बगैर किसी के मांगे उसको देना। एक तो होता है ना कि कोई मिन्नतें करे तो फिर कोई किसी को दे, वो तो अलग बात होती है, लेकिन एक होता है बगैर मांगे ही किसी को देना, ये जिसको कहेंगे ना आज के दौर में बिलियनेयर, बिलियनेयर थे ही। जब फौत भी हुए थे ना तो कोई गिन नहीं सकता था कि इन्होंने कितने दिरहम और दीनार छोड़े हैं, कोई कोई यानी इतने ज्यादा थे, इतने ज्यादा थे दिरहम और दीनार, और इसी से अंदाजा लगा सकते हैं आप। और ये भी आपको पता होगा कि जो जितना ज्यादा अमीर होता है उतना ही ज्यादा उसका दिल अक्सर का छोटा होता है, उतना ही वो अल्लाह के रास्ते में खर्च करने से अपनी मुट्ठी बंद रखते हैं, इल्ला माशाल्लाह। तो एक दफा अमीर मुआविया ने मूसा बिन तलहा से पूछा था, इनके बेटे मूसा से पूछा कि तुम्हारे बाप ने कितनी दौलत छोड़ी, तुमने फरमाया 22 लाख दिरहम और 2 लाख दीनार, इसके अलावा नहायत कसीर तादाद में सोना और चांदी, वो जो इनका तो कोई हिसाब ही नहीं था, जायदाद इतनी ज्यादा थी
जिसकी कुल कीमत का अंदाजा 3 करोड़ दिरहम था उस वक्त भी। पहले तो ये तिजारत करते थे ना, तिजारत में भी बहुत कामयाब थे, लेकिन जब मदीना पहुंचे तो जरात भी शुरू कर दी, और इस ये भी वसी पैमाने भी थी, और खैबर की जागीर के अलावा भी इनके पास बहुत सारी जागीरें थी जो कि फिर उसमें जरात की। और बाज जगह पे आता है कि मुख्तलिफ इलाकों से पैदावार जो आती थी ना, उसका सिर्फ अंदाजा आप इस बात से लगा सकते थे कि रोजाना के तकरीबन 1000 दीनार, सोने के सिक्के होते हैं दीनार, मुख्तलिफ इलाकों से जो आते थे, ये अभी उससे अलावा है जो अपनी ट्रेडिंग है या कुछ है। लेकिन इसके बावजूद लोगों को देने में इतने फयाज, इतने ज्यादा लोगों के ऊपर खर्च करने वाले थे कि जैसे मैंने आपको बताया, इसी तरह साहिब बिन यजीद एक ताबी हैं, वो कहते हैं कि मैंने इनके साथ सफर भी किया और घर में भी इनके साथ रहा, और मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि कोई इतना सखी हो जितना वो देते थे। वो माल भी देते थे, कपड़ा भी देते थे, खाना भी देते थे, इतना ज्यादा देते थे जितना कोई और नहीं देता। नहीं, इनकी फयाजी की एक और बात हमें पता चलती है, और ये नहीं कि थोड़ा बहुत, बहुत ज्यादा एक बात पता चलती है कि एक दिन इनके पास 7 लाख दिरहम आए, तो ये रात इन्होंने बड़ी गम में गुजारी। इनकी बीवी उम्मे कुलसूम बिनते अबी बकर सिद्दीक ने पूछा कि क्या बात है, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है जो आप आज बेचैन हैं और नागवारी आपके अंदर है। फरमाने लगे, नहीं, आप तो बहुत फर्माबरदार और नेक बीवी हैं, मैं रात भर ये सोचता रहा कि मैं अल्लाह ताला को क्या जवाब दूंगा कि मैं अपने घर में रात गुजार रहा हूँ, मेरे पास इतनी कसीर तादाद में मालो दौलत मौजूद है। तो बीवी ने कहा, भला ये कौन सा गम है, ये क्या गम की बात है, आपकी कौम और दोस्त अहबाब में बहुत सारे जरूरतमंद है, सुबह होते ही आप उनमें तकसीम कर दें। बीवी भी देखें कैसी है। ये तजवीज सुन के बहुत खुश हुए, अपनी बीवी को दुआएं देने लगी। जब सुबह हुई, तमाम माल थैलों में और प्यालों में रखा और मुहाजरीन और अंसार को कराह में तकसीम कर। इनके पास एक आदमी माली तावन के लिए आया और रहम दिली का उसने इनका हवाला दिया, तो तलहा फरमाते हैं, मेरी रहम दिली का इससे पहले किसी ने कभी कोई जिक्र नहीं किया था। फरमाने लगे, मेरे पास एक जमीन है जो मुझे उस्मान बिन अफान ने दी है, चाहो तो वो ले लो, चाहो तो इसकी कीमत जो कि 3 लाख दिरहम बनती है वो ले लो। वो कहने लगा, मुझे तो कीमत ही दे, तो उसको 3 लाख दिरहम दे दिए। नहीं, इस तरह से फयाजी करते थे, इतनी ज्यादा करते थे। और एक दफा मेहमान नवाजी भी इनका बहुत खास शेवा था। एक दफा बनी उजरा के 3 आदमी इस्लाम लाए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौन इनकी किफालत का जिम्मा लेता है? तो ये खड़े होकर अर्ज करने लगे, मैं या रसूलल्लाह। तीनों को अपने घर ले गए, बड़ी इनको की खातिर मुतारत की। उनमें से 2 ने एक के बाद एक मुख्तलिफ गजवात में शहादत पाई और तीसरे ने एक मुद्दत के बाद हजरत अल्लाह के मकान में ही वफात पाई। अब इनको बड़ा अपने मेहमानों से बड़ी उनसियत थी और हर वक्त उनको याद करते रहते थे। तो रात को इन्होंने वो ख्वाब देखा था, मैंने आपको पहले भी ये सुनाया हुआ है कि शायद आपको उस वक्त इनका पता नहीं था तो इतना ज्यादा शायद नहीं आपने शायद तवज्जो दी होगी, लेकिन इनको वो ख्वाब आया था कि वो तीनों मेहमानों के साथ जन्नत के दरवाजे पे खड़े, लेकिन जो जो इनके घर में फौत हुआ बिस्तर पे वो सबसे आगे है और जो सबसे पहले शहीद हुआ था वो पीछे है, सबसे पीछे। हज़रत अल्हा को इस पे बड़ा ताज्जुब हुआ कि वो तो शहीद हुए हैं तो फिर कैसे ऐसा हो गया कि वो पीछे हैं और जो फौत हुआ है मेरे घर में वो आगे। सुबह के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाके ख्वाब बयान किया तो आपने फरमाया, इसमें हैरत की क्या बात, जो ज्यादा दिनों तक जिंदा रहा उसकी इबादत भी तो देखो, उसको नेकी का भी ज्यादा मौका मिला, इसलिए वो जन्नत में दाखिले में अपने साथियों से आगे हो गया। इसी तरह इनके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उहद के दिन फरमाया था, वाजिब हो गई तलहा के लिए, वाजिब हो गई तलहा के लिए, वाजिब हो गई क्या, जन्नत वाजिब हो गई। तो जब आपने फरमाया था ना कि जो कोई जिंदा शहीद को देखना चाहे तो तलहा को देख ले, तो साथ ही फरमाया था वाजिब हो गई।
इस तरह हजरत काब बिन मालिक का आपको पता होगा, सूरह तौबा में आपने अगर उनका किस्सा सुना है कि वो गजवा तबूक से पीछे रह गए थे, तो जब उनकी तौबा कबूल हुई थी तो वो इतने खुश थे, इतने खुश थे जब वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए थे। तो उस वाक्य में भी आता है कि हजरत तलहा ने सबसे पहले दौड़ के उनके साथ मुसाफा किया था और उनको मुबारकबाद दी थी। हजरत काब फरमाते हैं कि मैं कभी नहीं भूल सकता हजरत तलहा का ये अखलाक कि उन्होंने जिस तरह सबसे आगे बढ़ के मुझे मुबारकबाद दी। तो देखे ना, जो बड़े दिल वाले होते ना खर्च करने में, उनके वैसे भी दिल बड़े होते हैं, वो हर चीज में ही फिर बड़े होते हैं। तलहातुल फयाज ऐसे ही नहीं है, तलहातुल जूद ऐसे ही नहीं, तलहातुल खैर ऐसे ही नहीं है उनको कहा गया। बाज रिवायात में आता है कि तबूक में उन्होंने 7 लाख दिरहम सदका किए थे, 7 लाख। मकरूज लोगों के कर्जे माफ कर देते थे, और अपने ट्राइब जो था इसके अंदर कई यतीमों, मिसकीनों, बेवाओं, इनके खर्चा अपने जिम्मे लिया हुआ था कि मैं इनकी किफालत करूं, और लड़कियों और बेवा औरतों की शादी करा देते थे। और एक औरत थी सबीहा तैमी इनके कबीले की, उसके ऊपर 30,000 दिरहम कर्ज था, सब कर्ज उसका अदा कर दिया। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रजी अल्लाह से भी बहुत अकीदत रखते थे, हर साल 10,000 दिरहम पेशे खिदमत करते थे। और इनके बारे में ये भी आता है, इससे अंदाजा भी लगा सकते हैं इनके बारे में लोग क्या कहते थे और कैसी इनकी अपनी बीवी बच्चों के साथ जिंदगी कैसी थी। अंदाजा करें कि उतबा बिन रबिया की बेटी उम्मे अबान, मैंने आपको नाम अभी पहले बताया था कि ये भी इनकी बीवी बनी थी, तो उनको बहुत सारे लोगों के रिश्ते आते थे, बहुत सारे लोग उनसे शादी करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने हजरत तलहा को सब पे तरजीह दी। लोगों ने पूछा कि क्यों, उनके साथ क्यों, तो कहती मैं उनके औसाफ से वाकिफ हूँ, वो घर आते हैं तो हंसते थे, बाहर जाते हैं तो मुस्कुराते थे, कुछ मांगो तो बुखल नहीं करते और खामोश रहो तो मांगने का इंतजार नहीं करते। सुभान अल्लाह, अगर कोई काम कर दो शुक्र गुजार होते, और गलती हो जाए तो माफ कर देते। सुभान अल्लाह, ये कितनी बड़ी बात है, कितनी प्यारी बात है, किसी के अंदर ऐसी खूबियां हों तो इतनी खूबसूरत खूबियां हैं। और एक औरत अगर बयान कर रही, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुख्तलिफ सोबतों में जो कुछ देखते थे, सुनते थे, हमेशा याद रखते थे। अगर कभी कोई बात भूल जाते थे तो बड़े ही गमजदा होते थे। एक दफा तो उमर ने इनको गमजदा देख के पूछा कि क्या बात है, किसी से कोई झगड़ा हो गया? कहने लगे नहीं, मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना था, अगर कोई बंदा मौत के वक्त ये कलमा कह दे तो उसके ऊपर से नजा की मुसीबत दूर हो जाती है और उसका चेहरा चमकने लगता है। अब मुझे वो कलमा ही याद नहीं आ रहा, अब मुझे भूल गया है वो, तो इस वजह से इतने परेशान, इतने गमगीन। तो हजरत उमर ने कहा, क्या तुम उस कलमे से भी ज्यादा बाअज़मत और पुर असर कलमा जानना चाहते जिसका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया था? वो है ला इलाहा इल्लल्लाह। तो सुन के उछल पड़े खुशी के साथ, फरमाया हाँ हाँ खुदा की कसम यही तो वो कलमा था ये जो भूल गया था। तो इतनी ज्यादा इस चीज की हिर्स थी कि मुझे ये बात याद आ जाए और जो बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई हो वो जहन में रखने की। गजवाए जिलकर्द में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुजाहिदीन के साथ पानी के चश्मे से गुजरे जिसका नाम बीसान माले था। हजरत तलहा ने इसको खरीद के वक्फ कर दिया मुसलमानों के लिए। गजवाए तबूक में भी जब इतनी ज्यादा बड़ी रकम दी थी तो तब भी वयास का लकब का आया था, और एक दफा हजरत उस्मान के हाथ अपनी जायदाद 7 लाख दिरहम में फरोख्त की, सब वो भी अल्लाह के रास्ते पे दे दी। इसी तरह जब इनकी शहादत हुई थी तो एक आदमी ने मुसलसल 3 दफा हजरत अल्लाह को ख्वाब में देखा कि वो अपनी लाश को उस कब्र से किसी और जगह मुंतकिल करने की हिदायत फरमा रहे हैं। तो जब इनकी वफात हुई थी ना, जहां पे वो उसी मैदान जंग में, वहीं पे इराक में इनको दफन कर दिया गया था, लेकिन वो कुछ नशेबी इलाका था, मतलब होते हैं ना कहीं कोई इलाके जरा डीप होते हैं, गहरे होते हैं, तो वहां पे पानी आ जाया करता है। तो इनको ख्वाब में किसी आदमी को 3 दफा आया, तो उन्होंने जाके फिर हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास से अपना ख्वाब बयान किया। तो ये लोग गए और जाके जब इनकी कब्र खोदी तो वो कहते हैं कि जैसे इनको दफनाया था वैसे ही के वैसे थे, जरा बराबर भी फर्क नहीं।
यहां तक कि आंखों में जो काफूर लगाया था वो भी वैसे का वैसा ही था, ये देखने वालों ने बताया। तो फिर उसके बाद अबू बकरा सहाबी एक और थे, अबू बकरा वो हजरत अबू बकर नहीं, अबू बकरा एक और सहाबी थे, उनका मकान खरीद के इनको वहां पे मुंतकिल कर दिया गया था और आज भी इनकी कब्र मुबारक वहां पे है मौजूद, तो कोई जाए तो वो देख सकता है। वहां पर इनको फिर दफनाया गया था। तो बहुत ही प्यारे अल्लाह के नबी के सहाबी थे और इनकी जो खसूसियात हैं, इनकी जो प्यारी बातें हैं वो इतनी यानी मोटिवेटिंग है कि जो इंसान ये सुने और उसके बाद किसी एक की भी, किसी एक सहाबी की भी नक्शे कदम पे चलने को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना ले, तो मैं समझती हूँ कि ये देखें ये गोल्डन बातें हैं। ये ऐसी नहीं है कि कोई स्टोरी टाइम चल रहा है, कोई किसी की ऐसी बातें बनाई हुई है, ये वो सारी बातें हैं जो हक हैं। इन्होंने ऐसे अपनी जिंदगियां गुजार के दिखाई, इनकी जिंदगियां हमारे लिए नमूना है। अगर हम एक बात भी ले लेते हैं ना, आप देख लेंगे किस तरह एक, और अब आप सोच रहे होंगे कि इतना ज्यादा देते थे, इतना ज्यादा देते थे, उनके पैसे खत्म नहीं हो जाते थे। लेकिन देखिए अल्लाह का वादा है ना, जो अल्लाह के रास्ते में देगा अल्लाह ताला उसको उससे भी ज्यादा अता फरमाएगा, दुनिया में भी 10 गुना अता फरमाएगा। और ये उसकी एक मिसाल है कि वाकई उनके पास कितना था कि उसके बाद भी उन्होंने इतना कुछ छोड़ के दुनिया से गए। अगर माल खर्च करने से, अल्लाह के रास्ते में देने से खत्म हो सकता होता तो इनका माल खत्म हो जाता, क्योंकि हर गजवे में इन्होंने उसके लिए डोनेट किया। अल्लाह ताला हमें इनके नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला इन सहाबा कराम को उनके ऊपर करोड़ों करोड़ों रहमतें अपनी नाजिल फरमाए। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहमदिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।